छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन की बहाली की अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित घोषणा की गई, जिसके लिए सतत प्रयास व बहाली की घोषणा का इंतजार राज्य के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारी वर्षों से कर रहे थे। इस घोषणा से प्रफुल्लित कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग पंचायत सचिव मंच बनाकर संसदीय सचिव चंद्रशेखर राय के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि व कैबिनेट मंत्री तथा संसदीय सचिव के अतिथि में भव्य आभार व सम्मान समारोह का निर्णय लिया, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय की सहमति से दिनांक 29 मार्च दिन मंगलवार को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग पंचायत सचिव मंच के तत्वाधान में होने जा रहा है, जिसमें राज्य के 12 प्रमुख कर्मचारी संगठन सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग पंचायत संघ के द्वारा जो है एक हमारा हम लोगों ने एक साझा मंच बनाए हैं और 29 तारीख को 12 बजे इंडोर स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का एक आभार महासम्मेलन का आयोजन रखा गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लगभग 3 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस दिया है और पूरे देश में ओपीएस जो है 2004 से बंद था, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्राप्त है उससे काफ़ी खुशी का माहौल है। प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी सौगात वाली बात है पुरानी पेंशन की बहाली, और जिसके लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी चाहे वो चपरासी हों, कलेक्टर हों, आरक्षक हों, एसपी हों, डीएसपी हों, सबको इसका लाभ मिलेगा। 2004 से ये पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था, 1 अप्रैल से पुनः छत्तीसगढ़ की सरकार चालू कर रही है, जिसके लिए 3 लाख कर्मचारी अधिकारी और उनके पूरे परिवार खुशहाल हैं। निश्चित रूप से उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के तमाम कर्मचारी अधिकारी चाहे वो किसी भी संगठन के हों, सबसे मैं अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान समारोह में आप आएं अधिक से अधिक संख्या में और अपनी मांगों को भी हम सरकार के समक्ष रखेंगे।